कोरोना महामारी को हराने में लगे हैं, और इसी बीच सीएम योगी ने जनता से अपील की है कि वो 5 अप्रैल को रात 9 बजे दिया या मोमबत्ती जलाकर एकजुटता का परिचय दे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। सामान्य इस लड़ाई का हम भी हिस्सा हैं, इस अभियान का हिस्सा बनते हुए मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे के आह्वान में 9 मिनट की अवधि के अंदर केवल घर की लाइट बंद होनी है, और उस दौरान एक दिया या मोमबत्ती, मोबाइल फोन की लाइट या टॉर्च की लाइट, इन चार में से किसी एक को बालकनी में या घर की छत में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोग इसको जलाने का कार्य करके कोरोना वायरस के खिलाफ देश की इस लड़ाई में हम सब सहभागी बने। ये पूरे मानवता के कल्याण की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सब सहभागी बने। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी की अपील पर हर प्रदेशवासी इस कार्यक्रम में सहभागी बने। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर न जाएं, सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन न करें। याद रखना, इस बीमारी का उपचार ही सोशल डिस्टेंसिंग है, और इसका ध्यान अगर हमने रख लिया तो निश्चित ही भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। प्रदेश के अंदर 24 मेडिकल कॉलेजेस में और कुछ मंडलीय हॉस्पिटल में हम लोग करने में सफल हुए हैं। L3 लेवल के कोविड हॉस्पिटल केवल 6 अभी प्रदेश के अंदर स्थापित हो पाए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक जनपद में L1 और L2 लेवल के कोविड हॉस्पिटल की स्थापना हो, L3 लेवल के हॉस्पिटल हर एक मेडिकल कॉलेजेस में प्रारंभ हो सके, और हम प्रदेश के अंदर ही PPE, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स आदि की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट को भी क्रियाशील करते हुए प्रदेश को एक बेहतर स्थिति दे सकें। इसके लिए मेरी अपील प्रदेश के सभी सुधीजनों से होगी, और खासतौर पर अपने माननीय विधायकों से, विधान परिषद के माननीय जो सदस्यगण हैं उनसे, विभिन्न उद्यम से जुड़े हुए उनके CSR फंड से मेरी अपील होगी कि वे उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में अपना सहयोग करें, और सहयोग करते हुए अगर सभी माननीय विधायकगण अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि इस फंड के लिए उपलब्ध करवा देते हैं तो हम एक अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के अंदर हम लोग इन सेवाओं को और स्ट्रेंथिंग करने में हमें मदद मिलेगी। प्रदेश के अंदर Level 1, Level 2, Level 3 के हॉस्पिटल के निर्माण की एक श्रृंखला हर जनपद में खड़ी हो पाएगी। अधिक से अधिक लैब्स और टेस्टिंग लैब्स स्थापित होने से टेस्ट की फैसिलिटी उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराने में हमें मदद मिलेगी। PPE जो इस समय सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता है, N95 मास्क, 3-लेयर मास्क, इन सबको हम उपलब्ध करवा देंगे। जैसे सैनिटाइजर की समस्या का समाधान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर डिस्टिलरी के माध्यम से अल्कोहल की आपूर्ति करके हर एक जनपद में उपलब्ध कराने की कार्रवाई की है, ऐसे ही हम लोग इन सभी की आपूर्ति करने में भी इसके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए मेरी सभी से अपील होगी, सभी माननीय विधायकों से, सभी माननीय विधान परिषद के सदस्यों से, सभी कंपनियों से, उद्यम से और समाज के सुधीजनों से भी कि वह उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में सहयोग करें, और उस सहयोग के माध्यम से हम इन सेवाओं की स्ट्रेंथनिंग करके कोरोना वायरस के खिलाफ देश की इस लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाने में और जीतने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।